हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाला प्रदोष 4 मार्च शनिवार यानी आज के दिन है और ये शनि प्रदोष व्रत होगा। फाल्गुन का ये दूसरा शनि प्रदोष व्रत है। आप जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष व्रत का संयोग बना था और शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से जो व्यक्ति करता है, जो भक्त करते हैं, उनको शिव और शनि दोनों देवों का आशीर्वाद मिलता है। पुत्र यदि पुत्र प्राप्ति की जिसको कामना है उसके लिए शनि प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। यदि मैं पंचांग के अनुसार बताने का प्रयास करूं तो फाल्गुन माह का जो शुक्ल पक्ष की शनि त्रयोदशी तिथि जो है वो आज के दिन है। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 11:43 से प्रारंभ हो गई है और 7वें शनिवार के दिन तक रहेगी। इसलिए वैसे देखा जाए तो शनि प्रदोष व्रत 4 मार्च को ही मान्य है यानी आज के दिन। शनि प्रदोष व्रत की पूजन का मुहूर्त आपको बता दूं, 6:23 से रात को 8:50 तक इसका मुहूर्त है। बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। यदि आप शनि प्रदोष व्रत कर रहे हैं या व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, आप प्रयास कीजिएगा कि प्रदोष काल में शिव जी साक्षात शिवलिंग में वास करते हैं, विराजमान रहते हैं, इसलिए प्रदोष व्रत के दिन आप शिव का स्मरण करके उनका पूजन करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, शनि प्रदोष वाले दिन शाम को 108 बार यदि मां मृत्युंजय मंत्र का सिर्फ जाप कर लिया जाए, शिवलिंग का जलाभिषेक ही कर दिया जाए, ऐसा करने मात्र से यदि आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो आपकी आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। इसी प्रकार आप चाहते हैं कि व्यापार या नौकरी में तरक्की मिले और कुंडली में शनि दोष है, इसकी वजह से यदि व्यापार और नौकरी में आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो मैं बता दूं कि शनि प्रदोष वाले दिन 1 मुट्ठी काली उड़द के दाने, ये प्रयास बिल्कुल कीजिएगा। मैं बार बार ये बताने का आपको बताना चाहती हूँ कि उल्टे हाथ से यदि अपने ऊपर से 1 मुट्ठी काली उड़द के दाने आप ले लें और उल्टे हाथ से अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर इसे दूसरे दिन सुबह काले कौवे के सामने डाल दें, वो खा लें। कोई ऐसे वृक्ष के नीचे डालें जहाँ काला कौवा कौवे वैसे आजकल देखने को बहुत कम मिल रहे हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करें ऐसे स्थान पर डालें जहाँ कौवे ज़्यादा आते हैं, डाल दें। ऐसा करने से आपके तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, बिल्कुल अचूक उपाय है ये। यदि आपके यहाँ संतान संबंधी परेशानी है तो शनि प्रदोष व्रत के दिन आप एक कार्य अवश्य कीजिएगा। वो सभी करना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं कि जिसको संतान नहीं है वही ये कार्य कर सकता है। जिसको संतान संबंधी दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे सुनते नहीं हैं या बच्चों की तरक्की चाहते हैं, बच्चों का कैरियर बनवाना चाहते हैं, तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। पीपल और बेल पत्र के जो पेड़ है उसको आप शाम की से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा जल समर्पित कर कराएं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन बेल के पेड़ के पर यदि घी का दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ कर लिया जाए तो शिव आपकी हर पीड़ा से आपकी रक्षा करते हैं और आपकी संतान पर भी कभी कष्ट नहीं आता। यदि कष्ट बड़ा आने वाला भी होता है तो छोटा होके, बिल्कुल छोटा सा होकर वो निकल जाता है। आप भी अवश्य करें इन उपायों को, जो भी उपाय आपको लगता है कि आपके लिए करने लायक है। और मैं तो कहूंगी कि यदि आपके परिचित में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही समस्याओं से गुजर रहा है, बहुत परेशान है, तो आप उनको भी बताने का प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। आपको यदि किसी की दुआएं मिलती हैं तो आपका जीवन तो वैसे ही सुखद होता चला जाता है। करें और विश्वास के साथ करें, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मैं प्रयास करूँगी कि आपको अगले वीडियो में और भी जानकारियाँ दूँ जिससे आपका जीवन बहुत ही सहज हो जाए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।